हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते ही, अब सर्वाइवल सीरीज के पेपर व्यू को होने में बस 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस पेपर व्यू के लिए, क्योंकि WWE ने मैचेस तो कई सारे बड़े बड़े ऑफिशियल कर दिए, बट उसके लिए अभी तक कुछ भी हाइप क्रिएट नहीं किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 3 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि अगर हमें सर्वाइवल सीरीज के पेपर व्यू में देखने को मिलती है देन ये काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। तो शुरुआत ही कर लेते हैं नंबर 3 से। देन नंबर 3 पर मैंने जिस थिंग को रखा है वो किसी और से रिलेटेड नहीं है, बल्कि है दी डेड मैन अंडरटेकर से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है अंडरटेकर का हमें फेयरवेल देखने को मिलने वाला है सर्वाइवल सीरीज के पेपर व्यू में। तो अब आप में से कितने को लगता है कि अंडरटेकर WWE में एक भी मैच नहीं लड़ने वाले, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। मुझे पता है मैक्सिमम आंसर यही होंगे कि अंडरटेकर की रिटायरमेंट मैच क्राउड के सामने होगी, बट क्या हो अगर अंडरटेकर का ये रियल में फेयरवेल हो एंड इसके बाद वो हमें WWE में अपने इन-रिंग गियर में देखने को ना मिले। तो हम सब जानते ही अगर ऐसा होता है देन ये काफी बड़ा शॉक होने वाला है, इसलिए हम सब यही एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पर कोई ना कोई हमें अंडरटेकर को उनके फेयरवेल में कोई इंटरप्ट करते हुए दिख सकता है, जिसके बाद इन दोनों का मैच टीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के लिए। अब वो कौन होने वाला है वो तो भाई बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिंड ब्रे वाइट ने तो टीज किया, इसलिए लेट्स सी कि क्या अंडरटेकर हमें WWE में फिर से कोई मैच लड़ते हुए नहीं दिखने वाले, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ये टीज हो जाएगा कि अंडरटेकर एक मैच के लिए जरूर से अपना रिटर्न करने वाले हैं जब भी क्राउड आएगी। बट हाँ, यहाँ पर अगर अंडरटेकर का फेयरवेल हो जाता है देन ये एक काफी बड़ी शॉकिंग थिंग होने वाली। इसके अलावा बात की जाए नंबर 2 पर मैंने कौन से शॉकिंग थिंग को रखा है देन गाइस, वो कुछ और नहीं, वो है मैचेस में चेंजेस। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें 2 चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिलने वाले। पहला चैंपियनशिप मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच न्यू डे वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच, और दूसरा मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। तो जैसा कि मैंने काफी पहले आप सबको बताया था कि WWE सर्वाइवर सीरीज से पहले किसी ना किसी एक मैच में हमें टाइटल चेंज करवाते हुए दिखने वाली है, एंड अगर ऐसा होने वाला है देन आप सब मानकर चल सकते हो कि नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें कोई ना कोई एक चैंपियन अपनी चैंपियनशिप लूज करते हुए दिखने वाला है। अब वो रैंडी ऑर्टन होने वाले या फिर न्यू डे, ये बता पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चेंज कर देती है कई बार सर्वाइवर सीरीज से पहले। तो अगर ऐसा होता है देन हमें सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस वर्सेज रैंडी ऑर्टन का मैच नहीं, बल्कि रोमन रेंस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर रॉ टैग टीम चैंपियन बनते हैं देन वो न्यू डे को रिप्लेस कर सकते हैं अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें किस मैच में टाइटल चेंज होते हुए दिखने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। बट हाँ, अगर ड्रू मैकइंटायर बन जाते हैं हमारे WWE चैंपियन एंड अगर सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में रोमन रेंस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलता है देन ये भी एक काफी बड़ा शॉक होने वाला है। वैसे आप सब कौन सा मैच देखना चाहते हैं सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में, रोमन रेंस वर्सेज रैंडी ऑर्टन या फिर रोमन रेंस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो बात की जाए नंबर 1 पर मैंने कौन सी थिंग को रखा है देन गाइस, वो कुछ और नहीं, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। तो अभी WWE को ब्रॉक लेसनर की साफ जरूरत है ये देखकर लग रहा है, स्पेशली मंडे नाइट रॉ में जहां पर उनकी रेटिंग्स तो 1.5-1.6 मिलियन के आसपास घूमते रहती है। एंड WWE तो जरूर से कोशिश करने वाली है कि वो ब्रॉक लेसनर को किसी न किसी तरह से वापस ले आए WWE में, भले ही उनके UFC जाने की रूमर चालू हो गए। तो अगर बात की जाए अगर सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न होता है देन वो कहां पर हो सकता है, देन जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन के लिए वापस आने वाले। पहले है ड्रू मैकइंटायर एंड दूसरे है रोमन रेंस। अब ड्रू मैकइंटायर का मैंने नाम क्यों लिया वो आप सब जानते ही है, उन्होंने रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हराकर जीती थी WWE चैंपियनशिप, एंड रोमन रेंस ने तो उनके मैनेजर यानी कि पॉल हेमन को जीत लिया, यह कहा जाए। अब पॉल हेमन बन चुके हैं रोमन रेंस के मैनेजर। तो अगर सर्वाइवर सीरीज में हमें रोमन रेंस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलता है देन क्या पता ब्रॉक लेसनर इसी मैच के बीच में आकर अपना बदला दोनों से ले ले, या फिर एक और जो थिंग हो सकती है वो ये है जब रोमन रेंस हरा दे ड्रू मैकइंटायर को देन उसके बाद हो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एंड देन वो आकर अटैक करे ड्रू मैकइंटायर पर, जिसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के साथ भी ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं, या फिर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर ने ऐसा क्यों किया। सो गाइस, यही थे ऐसे 3 चीजें जो कि अगर हमें सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में देखने को मिलते देन ये काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाले। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि इनमें से कौन सी थिंग अगर हमें देखने को मिलती है देन वो काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।